आज की रिपोर्ट आपको गोरखपुर से बता दें, भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा शनिवार को देवरिया से गोरखपुर पहुंची। रथ यात्रा लेकर चौरी चौरा पहुंचे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक सहित अन्य बीजेपी नेताओं का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार पर निशाना साधा, कहा कि पिछली सरकार में गुंडों और माफियाओं का राज था, हमारी सरकार ने सबका ख्याल रखा। बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि यूपी में हो रहे विकास के कारण 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल की सभी सीटें जीतेगी। जनविश्वास यात्रा में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामापति राम त्रिपाठी, बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, संगीता यादव और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भारी समर्थकों के साथ मौजूद रहे। संवाददाता राहुल मौर्य की रिपोर्ट। देखिए यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में नारी शक्ति कमजोर नहीं है, वो तो दिख रही है। एक फोन पे आप लोग सभी आए, पहले मैं आपके सभी चरणों में वंदन अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के हमारे प्रभारी हरीश द्विवेदी भाई साहब, यहाँ उपस्थित हमारे मेरे साथी विधायक और मंत्री ब्रजेश पाठक भाई साहब, इस मेरे अभिभावक जगदम्बिका पाल जी और दुबरियागंज के सांसद जी और मेरे अभिभावक रामपति राम त्रिपाठी जी। आपकी विश्वास जनसभा, तो ये बताइए कि ये जो 403 सीटों पे जो लड़ रही है, क्या पूर्व बहुमत के साथ अभी फिर जनता वापस आएगी? पूर्ण बहुमत से नहीं, जो पिछली बार संख्या उससे ज़्यादा आने वाली है। कोरोना काल के रहते हुए विकास काल के बाद इस सड़क पे आप खड़े हैं, इस सड़क में ही कम से कम 3 बार काम हुआ है, 2 बार पानी भरने के बाद। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विकास के बिना अधूरा रह गया हो। आज आपने वहाँ अपार जनसंख्या महिलाओं का देखा, जगह जगह स्वागत कर देखा, लोगों को इतना विश्वास है माननीय मोदी जी और हमारे कार्यकर्ताओं पर, आपका से बहुत ज़्यादा बढ़ने। मैडम महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? देखिए कोरोना काल के रहते हुए सरकार ने सटीकता सब हैंडल किया है, कोई भी सरकार नहीं करता। थोड़ा बहुत अगर ऐसी वृद्धि है पेयजल मिलाओ निकाओ, उसका भी कम हो जाएगा। और कोई भी सरकार रहती तो ये थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, जितना विकास कार्य हो आप विकास फोकस जो किया है। विश्वास जनसभा ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? देखिए जनविश्वास यात्रा, थोड़ा सा नीचे माइक, प्रदेश में हमारी जनविश्वास यात्राएं निकल रही है, जो हमने 4.5 साल जनता के लिए किया है, जनता के विश्वास को जो हमने जीता है, आज मैं उसी के माध्यम से जनविश्वास, हम जनता के बीच में चल रहे हैं, जनता का समर्थन सहयोग हमें मिल रहा है। आपने देखा चौरी चौरा में लगभग 10,000 की संख्या थी, जनता जनार्दन ने हमारा समर्थन किया है, हमारा सहयोग किया है। हमें विश्वास है कि आने वाले 2022 के चुनाव में जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जो हम पूरे प्रदेश में जन समर्थन पा रहे हैं, उसके माध्यम से आने वाले 2022 के चुनाव में ये विश्वास किया जा रहा है। और विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही प्रदेश में बनेगी।